की सबसे पहली पसंद कश्मीरी गोल्ड चाय। बनाए अपने दिन को खास कश्मीरी गोल्ड चाय के साथ, आपके सभी प्रमुख किराना एवं जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध है। मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि आतिशी के इस दावे पर कांग्रेस ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा कि जब सरकार ही धरने पर बैठ जाएगी तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सवाल इस बात का है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमसे भी पूछे गए। शीला जी की सरकार थी, बार बार टैंकर माफिया ये तमाम चीजें आज क्यों नहीं ठीक करा पाए। उन्होंने कहा था टैंकर माफिया की वजह से जल संकट है, वरना पानी कोई कमी नहीं है दिल्ली। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर गरीब से गरीब आदमी झुकी में एक वो जो मयूर जग होता है वो खरीदता है, क्योंकि अगर वो वाला पानी पिला दे जो आ रहा है तो वो उसके बच्चे जो है गैस्ट्रोएंटाइटिस के शिकार हो जाएंगे। आज दिल्ली में मेजर जो प्रॉब्लम है लोगों की गैस्ट्रोएंटाइटिस की। अब ब्लेम गेम करने से ये सरकारें अगर धरने पर बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करे। हमारे दौर में बहुत सारे ऐसे मौके आए जो मुख्तलिफ उसमें जो है ऐसे हालात पैदा हुए, लेकिन उनको बातचीत करके नेगोशिएशन से। एलजी हमारे नहीं थे दिल्ली में जो विजय कपूर थे, लेकिन बहुत सारे मसले हल करते थे। वाजपेयी जी थे, उनसे शीला जी स्वयं मिलने जाती थी, तो कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो निकाल सकते। आपने कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, जो हमने 450 MGD बढ़ाई थी, अगर वो नहीं होती तो क्या हाल होता दिल्ली। सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट जो हमने लगाया था, जिससे दिल्ली वालों को अब बहुत राहत मिली है। ब्लेम गेम करना बड़ा आसान है, धरने पे बैठ जाओ, अनशन पे बैठ जाओ कि अब मैं मर के ही उठूँगा। ये दिल्ली के लोगों की जो आहें हैं उसका समाधान नहीं है। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के पास जाके मिलने हैं, पानी से तराई तराई कर रहा है। वहीं आतिशी के धरने को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी निशाना साधा है। जिसने जब किया ही ना हो कुछ, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी केजरीवाल के अगेंस्ट ही धरने पे बैठ रही है ना। वो बोलने को कुछ हो लेकिन वो धरने पे बैठ रही है, इसका मतलब वो अपनी सरकार के अगेंस्ट धरने पे बैठ रही है। अरे पानी जिम्मेवारी किसकी थी, वो तो किसी की जिम्मेवारी डालेगी, पर इसका मतलब वो फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं, उनको बिल्कुल इस पद से पीछे हट जाना चाहिए। अब ड्रामा कर रही है, अगर वो धरने पे बैठेगी तो वो इसका मतलब अपनी गवर्नमेंट और केजरीवाल के खिलाफ बैठ रही है।